गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मायसेल्फ जनसार किशोर। टुडे आई विल टीच इंग्लिश ग्रामर। द नेम ऑफ द टॉपिक डिग्री। सो लेट्स स्टार्ट डिग्री। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, इन शॉर्ट फॉर्म वी हैव टू से पीडी। सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से सीडी। एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री, इन शॉर्ट वी कैन से एसडी। ओके, सो आई रिपीट अगेन। तो द नेम ऑफ द टॉपिक डिग्री। देर आर three types of degree. First positive degree, that means PD. Second comparative degree, that means CD. And third superlative degree, that means SD. Okay, now let's start the first one, that positive degree. So PD, if two things have some similarity, to show that we have to use positive degree. I repeat the thing sentence. If two things have some similarity, to show that we have to use positive degree. For that we have to use as dash dash as in positive sentence and so dash dash as in negative sentence. Okay, I repeat the things. के पॉजिटिव डिग्री में इफ टू थिंग्स हैव सम सिमिलैरिटी, टू शो दैट वी हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री। कोई दो चीज़ में कोई सिमिलैरिटी है, जैसे कोई दो बच्चे हैं तो उनकी हाइट जैसे सेम है, ओके, उनकी एज सेम है, ओके, तो ये क्या वह सिमिलैरिटी हुई? तो ये सिमिलैरिटी डिस्प्ले करने के लिए वी हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री। अभी For that, we have to use as in positive sentence and so is in negative sentence. अगर positive sentence है तो ये similarity दिखाने के लिए हमें as dash dash as का use करते हैं। अगर sentence negative है तो हम use करेंगे so dash dash as in negative sentence. Okay? उसके बाद यह है कि in singular, we have to use no other and in plural, we have to use very few. इन सिंगुलर, अगर सेंटेंस सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमें नो अदर का यूज़ करना है, और प्लूरल है तो वेरी फ्यू का यूज़ करना है। ओके, सो नो अदर और वेरी फ्यू। सिंगुलर है तो नो अदर और प्लूरल है तो वेरी फ्यू। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि राम इज एज टॉल एज श्याम। तो यहाँ पर देखो एज यूज़ किया है। ओके, ये क्या डिस्प्ले करता है? पॉजिटिव सेंटेंस, इसलिए एज यानी राम इज एज टॉल एज श्याम। तो राम उतना ही टॉल है जितना श्याम, एंड दोनों क्या है? सिमिलर है। दोनों की जो हाइट है वो क्या है? सेम है, इसलिए एज का यूज़ किया। सेकंड है नरेश इज एज क्लेवर एज परेश। यहाँ पर भी देखो क्या आपको नरेश और परेश में कुछ सिमिलरिटी दिखानी है। कौन सी सिमिलरिटी दिखानी है? तो क्लेवर के रूप में नरेश इज एज क्लेवर एज परेश। तो यहाँ पर भी एज एज का यूज़ किया है, तो यहाँ नरेश और जो परेश है दोनों सेम क्लेवर है। ओके, दूसरा सेंटेंस इसको इस तरह भी लिखे है, नरेश एंड परेश आर इक्वली क्लेवर। ओके, नरेश एंड परेश आर इक्वली क्लेवर। ओके, उसको दूसरे सेंटेंस इस तरह के नरेश इज एज क्लेवर एज परेश, यानी दोनों इक्वल, दोनों सेम क्या है? क्लेवर है। थर्ड जो सेंटेंस है, रेखा इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज रीना। रेखा और रीना दोनों क्या है? यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस, देखो इज नॉट लिखा है कि रेखा इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज रीना।
तो रेखा रीना की जितनी स्ट्रोंग नहीं है, रेखा रीना की तरह स्ट्रोंग नहीं है, ओके। तो इज नॉट सो लिखा है, ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या यूज़ किया, सो एज, उसके बीच में स्ट्रोंग आया। स्ट्रोंग क्या है, तो एडजेक्टिव है। हर एक एज एज देखो, एज एज के बीच में क्या, जैसे टोल भी एडजेक्टिव है, क्लेवर भी एडजेक्टिव है, स्ट्रोंग भी एडजेक्टिव है, ओके फ्रेंड्स। तो फिर से एक बार ये एग्जाम्पल करो कि राम इज एज टोल एज श्याम, नरेश इज एज क्लेवर एज परेश, रेखा इज नॉट सो स्ट्रोंग एज रीना, ओके फ्रेंड्स। तो ये हुआ आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री। अभी जो सेकंड है, ओके, तो सेकंड जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। सेकंड जो है वो कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीडी। जैसे पीडी में क्या था कि दो थिंग्स, दो पर्सन, ओके, तो टू पर्सन एंड टू थिंग्स हैव सम सिमिलैरिटी। अभी यहाँ पर क्या है कि इफ़ वन थिंग इज़ बेटर और ग्रेटर देन अदर, कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से अच्छी है, ओके, कोई एक थिंग्स, कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से क्या है, अच्छी है, टू शो दैट वी हैव टू यूज़ कंपैरेटिव डिग्री। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सी डी, क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सी डी। क्या फिर से रिपीट करता हूँ कि इफ़ वन थिंग इज़ बेटर और ग्रेटर देन अदर, टू शो दैट वी हैव टू यूज़ कंपैरेटिव डिग्री। कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से अच्छी है तो वो डिस्प्ले करने के लिए हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है, ओके फ्रेंड्स। अभी इसमें क्या है कि फॉर दैट वी हैव टू पुट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, इसमें हमें ये जो हमारा एडजेक्टिव है उसका कौन सा फॉर्म आएगा, कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म यानी क्या होता है, जैसे टोल का क्या होता है, टोलर, कंपैरेटिव फॉर्म। ग्रेट का ग्रेटर, टोल का टोलर, ओके। तो ये जो ER लगा तो उसको बोलते हैं CD फॉर्म, यानी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म बोलते हैं, ओके। जैसे ग्रेट ओनली है तो ग्रेट किस में, PD में आएगा, लेकिन ग्रेटर आया यानी वो कौन सा हो गया, CD, यानी इसका CD फॉर्म हो गया। ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का क्या किया, कंपैरेटिव करना है, कंपैरेटिव फॉर्म करना है, तो ग्रेट के अगर ER लग जाए तो ग्रेटर हो जाएगा, ओके। उसके बाद आफ्टर CD फॉर्म वी हैव टू पुट देन, CD फॉर्म के बाद हमें क्या लिखना है, देन लिखना है। CD फॉर्म के बाद क्या लिखना है, देन लिखना है। इन सिंगुलर आफ्टर देन वी हैव टू पुट एनी अदर, अगर सिंगुलर है तो देन के बाद हमें क्या लिखना है, एनी अदर लिखना है। सेंटेंस अगर सिंगुलर है तो देन के बाद क्या लिखना है, एनी अदर। इन प्लूरल, अगर प्लूरल सेंटेंस है तो आफ्टर देन वी हैव टू पुट मैनी अदर और मोस्ट अदर, अगर सेंटेंस प्लूरल है तो देन के बाद क्या लगता है, मैनी अदर या मोस्ट अदर, कोई एक लगेगा, दोनों ही लगेगा, ओके। अभी उसके कुछ एग्जाम्पल, उससे पहले ये जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री यानी CD, इफ़ वन थिंग इज़ अ बेटर और ग्रेटर देन अदर, टू शो दैट वी हैव टू यूज़ कंपैरेटिव डिग्री, उसको शॉर्ट में बोलते हैं CD। फॉर दैट वी हैव टू पुट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, उसमें हमें एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म लिखना पड़ता है। आफ्टर CD फॉर्म वी हैव टू पुट देन, CD फॉर्म के बाद हमें क्या लिखना है, देन लिखना है। इन सिंगुलर आफ्टर देन वी हैव टू पुट एनी अदर, इन सिंगुलर आफ्टर देन वी हैव टू पुट एनी अदर, सिंगुलर में देन के बाद एनी अदर लिखते हैं। इन प्लूरल आफ्टर देन वी हैव टू पुट मैनी अदर और मोस्ट अदर, अगर प्लूरल है तो उसमें हम देन के बाद मैनी अदर या मोस्ट अदर लिखते हैं। अभी उसके एग्जाम्पल दिए हैं कि मनन इज टोलर देन परेश, यहाँ पर मनन इज टोलर यानी मनन टोलर है, किससे, देन परेश यानी परेश से। तो यहाँ पर मनन की हाइट परेश से क्या है, थोड़ी
ज़्यादा है। तो ये डिस्प्ले क्या करता है कि मनन परस से टोलर है, यानी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से उसकी कोई एक चीज़, जैसे कि यहाँ पर टोल की बात है, तो वो मनन परस से थोड़ा ज़्यादा लंबा है। ओके, तो यहाँ पर टोल की बात है, इस तरह से क्लेवर की बात हो सकती है, थिन की बात हो सकती है, फैट की बात हो सकती है। ओके, जैसे इसमें मनन इज़ टोलर की जगह फैटर लिखो तो फैटर देन परस, तो मनन परस से क्या होगा, फैटर हो जाएगा। अगर शॉर्टर लिखो तो मनन इज़ शॉर्टर देन परस, टोलर का ऑपोजिट हमने शॉर्टर किया कि मनन वो परस से क्या है, शॉर्टर, शॉर्टर यानी छोटा, हाइट कम। ओके, इस तरह दूसरा सेंटेंस ये है यहाँ पर कि केतन केतन इज़ क्लेवरर देन केतकी, तो केतन है वो केतकी से क्या है, ज़्यादा क्लेवरर है। केतन इज़ क्लेवरर देन केतकी। ओके, तो केतन वो केतकी से ज़्यादा क्या है, क्लेवरर है। ओके फ्रेंड्स, चलो अभी जो थर्ड है, फर्स्ट हमने करी पॉजिटिव डिग्री, उसमें क्या था कि इफ़ टू थिंग्स और पर्सन हैव सम सिमिलैरिटी टू सो दैट वी हैव टू यूज़ पॉजिटिव डिग्री। उसमें पॉजिटिव सेंटेंस में एस डेस्टेस एज आता है, और जो कंपरेटिव सॉरी और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें सो डेस्टेस एज आता है। ये एज एस और सो एस के बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ओके, सेकंड हमने करा है कंपरेटिव। कंपरेटिव में क्या होता है, इफ़ वन थिंग और पर्सन इज ग्रेटर देन अदर थिंग और पर्सन, कोई एक चीज़ या कोई व्यक्ति दूसरी चीज़ या पर्सन से ग्रेटर है, अच्छी है, बेटर है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए कंपरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। उसके लिए हमें ये जो एडजेक्टिव है उसका सी डी का फॉर्म लिखना पड़ता है, सी डी फॉर्म के बाद ऑलवेज धैन टी एच ए एन लिखते हैं, अगर सिंगुलर है तो धैन के बाद एनी अदर आता है, प्लूरल है तो धैन के बाद मैनी अदर या मोस्ट अदर आता है। उसके बाद दो दो सबके एग्जांपल करवाए मैंने पी डी और सी डी के। नाउ थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। अभी सुपरलेटिव डिग्री इन क्या, तो अभी तक जैसे पॉजिटिव डिग्री और कंपरेटिव डिग्री, उस दोनों में क्या, कोई दो चीज़ पीढ़ी में क्या था, कोई दो चीज़ या दो पर्सन हैव सम सिमिलैरिटी, यानी बात किसके की है, दो पर्सन या दो चीज़ की। सेम थिंग सुपरलेटिव में क्या, कंपरेटिव में क्या क्या, कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से या कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या है, अच्छा है। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, कंपरेटिव डिग्री। अभी जो सुपरलेटिव डिग्री में इसमें दो नहीं है, दो से भी ज़्यादा। ओके, इफ़ वन थिंग और पर्सन इज़ बेस्ट ऑफ ऑल टू सो दैट वी हैव टू यूज सुपरलेटिव डिग्री, कोई एक थिंग कोई एक चीज़ या पर्सन बाकी सब थिंग और बाकी सब पर्सन से क्या है, एकदम बेस्ट है, सबसे अच्छा है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। फिर से सुपरलेटिव डिग्री यानी क्या, पी डी और सी डी, पी डी और सी डी में ओनली टू चीज़ या दो पर्सन की बात की है, लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव में क्या बात की है कि इफ़ वन थिंग और पर्सन इज़ बेस्ट ऑफ ऑल, कोई एक चीज़ या कोई एक व्यक्ति बाकी सब पर्सन से या बाकी सब चीज़ से बेस्ट है, सबसे अच्छा है, वो डिस्प्ले करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। फॉर दैट वी हैव टू यूज़ एस डी फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। फॉर दैट उसके लिए वी हैव टू यूज़ एस डी फॉर्म, हम उसके लिए एस डी फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये एस डी यानी सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का एस डी फॉर्म होता है, जैसे आगे कंपरेटिव में था कि एडजेक्टिव का सी डी फॉर्म होता था, यहाँ पर एडजेक्टिव का एस डी यानी सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होता है। सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म यानी क्या, जैसे मैं आपको बोला था ग्रेट का कंपरेटिव क्या होता है, ग्रेटर, और जो एस डी है वो होता है ग्रेटेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट। ओके, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। ओके, यंग यंगर यंगेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, क्लीन क्लीनर क्लीनेस्ट। ओके, तो इस तरह से ये एस डी फॉर्म होगा, लास्ट वाला जो है एस डी फॉर्म आएगा। बिफोर एस डी फॉर्म वी हैव टू पुट आर्टिकल द, एस डी फॉर्म से पहले ऑलवेज क्या आता है, आर्टिकल द आता है। इन सिंगुलर वी हैव टू पुट आर्टिकल द
एंड इन प्लूरल वी हैव टू पुट वन ऑफ द। सिंगुलर में क्या आता है, आर्टिकल द आता है, लेकिन जो प्लूरल है उसमें क्या आएगा, वन ऑफ द आएगा। क्या आएगा, वन ऑफ द। ओके फिर से बताओ, इन सिंगुलर वी हैव टू पुट आर्टिकल द एंड इन प्लूरल वी हैव टू पुट वन ऑफ द। ओके इसके एग्जांपल दिए कि द रोज इज द बेस्ट फ्लावर, द रोज इज द बेस्ट फ्लावर, यानी ये बेस्ट एंड सुपरलूड, उसके आगे पहले क्या आ गया, द, यानी आर्टिकल द कंपल्सरी सिटी फॉर्म से पहले आता है। सेकंड है, नरेश इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में उसके पहले क्या आ गया, द, तो नरेश इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। ओके फिर से, द रोज इज द बेस्ट फ्लावर, नरेश इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, ये दो सेंटेंस हो गए। अभी हमने हर बार बोला सिंगुलर और प्लूरल दोनों, तो सिंगुलर और प्लूरल की कंस्ट्रक्शन दी है। ओके ये कंस्ट्रक्शन आपको कंपलसरी याद रखनी है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन आएगी तभी आपको ये सेंटेंस आएंगे। तो सबसे पहले पीडी का कंस्ट्रक्शन है, सिंगुलर में पीडी पॉजिटिव डिग्री, पहले क्या आएगा, नो अदर, नो अदर के बाद क्या है, रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव वर्ड आपको दिए होंगे सेंटेंस में, वो सेंटेंस करूँगा तो आपको पता चलेगा। तो नो अदर के बाद क्या आएगा, रिलेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सो, सो क्यों लगा, क्योंकि आगे देखो नो अदर एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज और प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर लास्ट में आता है सब्जेक्ट, जो पीढ़ी है उसमें सिंगुलर में सब्जेक्ट कहाँ आता है, लास्ट में आता है। ओके अभी सीढ़ी, सीडी में क्या सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सीडी फॉर्म, क्या आएगा, सीडी फॉर्म प्लस देन, सीडी फॉर्म के बाद क्या आएगा, देन, और देन के बाद ये सिंगुलर तो क्या आएगा, एनी अदर, सिंगुलर में एनी अदर आता है, और जो प्लूरल है तो मैंने बोला था मेनी अदर या मोस्ट अदर आता है, उसका भी कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर में सीडी में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीडी फॉर्म, सीडी फॉर्म के बाद देन, देन के बाद एनी अदर, और एनी अदर के बाद होता है रिलेटिव वर्ड। ओके नाउ सी द एस डी, एस डी में क्या होता है, तो एस डी में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आर्टिकल ध, और ध के बाद आता है एस डी फॉर्म, द के बाद क्या आता है, एस डी फॉर्म, और एस डी फॉर्म के बाद आता है रिलेटिव वर्ड। ओके सो फिर से ये जो सिंगुलर है उसका कंस्ट्रक्शन हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले पीडी में क्या आता है, नो अदर प्लस रिलेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एस प्लस सब्जेक्ट। सीडी फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सीडी फॉर्म प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस रिलेटिव वर्ड। उसके बाद एस डी फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस एस डी फॉर्म प्लस रिलेटिव वर्ड। ओके नाउ अभी प्लूरल, प्लूरल में क्या होगा, जिसे अभी सिंगुलर कराया अभी प्लूरल, पी एल यू आर ए एल, प्लूरल, तो प्लूरल में क्या आएगा, तो पहले आएगा पीडी, प्लूरल में पहले क्या आएगा, पीडी, तो पीडी में क्या आएगा, सबसे पहले वेरी फ्यू, सबसे पहले क्या आएगा, वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू प्लस रिलेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस और प्लस सब्जेक्ट। ओके यहाँ पर एज एस का यूज़ होता है, फिर से रिपीट करता हूँ, पीडी में क्या होता है, सबसे पहले वेरी फ्यू, रिलेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस और प्लस सब्जेक्ट। अभी उसका सीडी, तो सीडी क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सीडी फॉर्म प्लस देन, देन के बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर प्लस रिलेटिव वर्ड। फिर से सीडी बोलता हूँ, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीडी फॉर्म, सीडी फॉर्म के बाद देन, देन के बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर, उसके बाद आता है रिलेटिव वर्ड। ओके अभी है एस डी, एस डी में क्या होगा, प्लूरल में सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस एस डी फॉर्म और प्लस रिलेटिव वर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि प्लूरल का कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लूरल, तो प्लूरल कंस्ट्रक्शन,
ओके, तो पहले पीडी, पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री, तो वेरी फ्यू प्लस रिलेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस प्लस सब्जेक्ट, सीडी में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सीडी फॉर्म प्लस देन प्लस मेनी अदर या मोस्ट अदर प्लस रिलेटिव वर्ड, एसडी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस सीडी फॉर्म प्लस रिलेटिव वर्ड। नाउ अभी सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या है, तो दो डेफिनेशन है, जैसे यहाँ फर्स्ट, इफ द सेंटेंस हैज एस डैश डैश एस और सो डैश डैश एस बट नो अदर और वेरी फ्यू इज नॉट गिवन। ओके, सेंटेंस में क्या है, आपको एज एस दिया है या सो एस दिया है, क्या दिया है, एज एस दिया है और दूसरा क्या दिया है, या फिर सो एस दिया है, लेकिन उसमें नो अदर और वेरी फ्यू नहीं है, क्या नहीं है, नो अदर और वेरी फ्यू आपको दिया नहीं है, तो वो सेंटेंस को कौन से बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस है, उसमें एज एस दिया है, सो एस दिया है, लेकिन उसमें नो अदर या वेरी फ्यू नहीं, यानी एज एस सो एस यानी होता है पी डी डी, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, लेकिन सिंगुलर के लिए नो अदर आता है, प्लूरल के लिए वेरी फ्यू आता है, तो न तो उसमें नो अदर है और न तो वेरी फ्यू है, तो उस ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है कि इफ द सेंटेंस है सीडी फॉर्म, सेंटेंस में सीडी फॉर्म दिया है, सीडी फॉर्म और उसके बाद क्या लिखा है, देन भी लिखा है। ओके, सीडी फॉर्म के बाद क्या है, देन। ओके, लेकिन देन के बाद, देन के बाद एनी अदर, मेनी अदर और मोस्ट अदर दिया नहीं है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि सेंटेंस में सीडी फॉर्म दिया है, सीडी फॉर्म दिया यानी सेंटेंस कौन सा है, सीडी यानी कॉम्परेटिव डिग्री का है। ओके, सीडी फॉर्म दिया है, सीडी फॉर्म के बाद देन भी दिया है, लेकिन देन के बाद एनी अदर, मेनी अदर या मोस्ट अदर दिया नहीं है। एनी अदर आता है सिंगुलर में, मेनी अदर और मोस्ट अदर आता है प्लूरल में, तो एनी अदर भी नहीं दिया है, मेनी अदर भी नहीं है और मोस्ट अदर भी दिया नहीं है, तो उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि जो पहले, कि इफ़ द सेंटेंस इज एज इज और सो इज बट नो अदर वेरी फ्यू इज नॉट गिवन, इट इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। सेकंड है, इफ़ द सेंटेंस इज सीडी फॉर्म, ओके, एंड आफ्टर सीडी फॉर्म देन इज ऑल्सो गिवन, बट आफ्टर देन एनी अदर, मेनी अदर और मोस्ट अदर दिया नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ओके, नाउ चेंजेस इन सिंपल सेंटेंस, ये जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें चेंजेस क्या होता है, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस इन सिंपल सेंटेंस, इन सिंपल सेंटेंसेस। ओके, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस इन सिंपल सेंटेंस। अभी थ्री टाइप्स के चेंजेस क्या क्या होती है, तो सबसे पहले चेंज इन सब्जेक्ट, ओके, या चेंजेस लिख सकते हो कि चेंजेस इन सब्जेक्ट। तो चेंजेस क्या होती है, तो इसमें दो सब्जेक्ट हो गए, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा और लास्ट सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, तो चेंजेस इन द सब्जेक्ट यानी चेंज द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को चेंज करना है, पीछे वाला सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा। सेकंड है, टर्न द सेंटेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये जो सेंटेंस है अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में टर्न करना है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में करना है। फिर से रिपीट करता हूँ कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। थर्ड, टर्न द सेंटेंस पीडी टू सीडी और सीडी टू पीडी, अगर सेंटेंस आपका पीडी का है यानी पॉजिटिव डिग्री है तो उसका सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री होगा, अगर सेंटेंस आपका सीडी है यानी कंपैरेटिव डिग्री है तो हो जाएगा वो पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री होगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ कि तीन चेंजेस है, तीन चेंजेस क्या है, तो चेंजेस द सब्जेक्ट, द चेंज इन सब्जेक्ट, तो चेंज में क्या होगा, दो सब्जेक्ट हो गए, पहला वाला सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला सब्जेक्ट आगे आएगा यानी चेंज इन सब्जेक्ट। सेकंड, टर्न द सेंटेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। और थर्ड है, टर्न द सेंटेंस पीडी टू सीडी और सीडी टू पीडी, सेंटेंस पीडी है तो सीडी में कन्वर्ट होगा और सीडी है तो पीडी में कन्वर्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है ये सब क्या है, ओनली
ये एक्सप्लेनेशन है। फिर से पूरा का पूरा जो है एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद हम उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिग्री, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। ओके, पॉजिटिव डिग्री, उसको शॉर्ट में कहते हैं PD। कंपैरेटिव डिग्री, उसको शॉर्ट में कहते हैं CD। सुपरलेटिव डिग्री, उसको शॉर्ट में कहते हैं SD। ओके, अभी पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री यानी क्या, कि इफ़ टू थिंग्स हैव सम सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। ओके, इफ टू थिंग्स और सेंट और पर्सन, इफ टू थिंग्स और पर्सन हैव सम सिमिलैरिटी टू शो दैट वी हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री, फॉर दैट वी हैव टू यूज एस डेस्टेस एस इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड सो डेस्टेस एस इन नेगेटिव सेंटेंस। इन सिंगुलर वी हैव टू यूज नो अदर एंड इन प्लूरल वी हैव टू यूज वेरी फ्यू। सिंगुलर में क्या आता है, नो अदर आता है, प्लूरल में क्या आता है, वेरी फ्यू आता है। एग्जाम्पल देखे, राम इज एज टॉल एज श्याम, नरेश इज एज क्लेवर एज परेश, रेखा इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज रीना। ओके, चलो नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में क्या होता है कि इफ वन थिंग इज बेटर और ग्रेटर देन अदर, थिंग्स भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकता है, तो इफ वन थिंग्स और पर्सन, ओके, इज बेटर और ग्रेटर देन अदर टू शो दैट वी हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं CD। फॉर दैट वी हैव टू पुट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, उसमें एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म आता है। आफ्टर CD फॉर्म वी हैव टू पुट देन, CD फॉर्म के बाद क्या आता है, देन आता है। इन सिंगुलर आफ्टर देन वी हैव टू पुट एनी अदर, अगर सिंगुलर सेंटेंस है तो देन के बाद क्या आता है, एनी अदर आता है। इन प्लूरल आफ्टर देन वी हैव टू पुट मैनी अदर और मोस्ट अदर, अगर प्लूरल है तो देन के बाद क्या आता है, मैनी अदर या मोस्ट अदर आता है। उसके बाद मनन इज टॉलर देन परेश, मनन क्या है, टॉलर, किससे, परेश से, तो मनन इज टॉलर देन परेश, तो मनन परेश से ज़्यादा टॉल है। सेकंड है केतन इज क्लेवरर देन केतकी, केतन वो केतकी से ज़्यादा क्या है, क्लेवरर, के होशियार है। ओके, अभी ये सुपरलेटिव डिग्री, तो इफ वन थिंग और पर्सन इज बेस्ट ऑफ ऑल टू शो दैट वी हैव टू यूज सुपरलेटिव डिग्री, अगर कोई एक पर्सन या कोई एक चीज़ बाकी सब चीज़ से क्या है, बेस्ट है, सबसे अच्छी है, ये डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज़ होता है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। फॉर दैट वी हैव टू यूज CD फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, तो उसके लिए क्या होता है, एडजेक्टिव का CD फॉर्म यूज़ होता है। बिफोर SD फॉर्म वी हैव टू पुट आर्टिकल द, CD फॉर्म से पहले, SD फॉर्म से पहले हमें क्या है, आर्टिकल द लिखना है। इन सिंगुलर वी हैव टू पुट आर्टिकल द एंड इन प्लूरल वी हैव टू पुट वन ऑफ द, सिंगुलर में ओनली आर्टिकल द आता है और प्लूरल में क्या आता है, द, SD फॉर्म से पहले वन ऑफ द आता है। एग्जाम्पल है द रोज इज द बेस्ट फ्लावर, नरेश इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन, तो सिंगुलर का कंस्ट्रक्शन है कि PD क्या दिया है, नो अदर प्लस रिलेटिव वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एस प्लस सब्जेक्ट, CD सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस CD फॉर्म प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस रिलेटिव वर्ड, SD सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस SD फॉर्म प्लस रिलेटिव वर्ड। अभी प्लूरल का कंस्ट्रक्शन है, तो पहले PD वेरी फ्यू प्लस हेल्पिंग रिलेटिव वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एस प्लस एडजेक्टिव प्लस एस प्लस सब्जेक्ट, CD सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस CD फॉर्म प्लस देन प्लस मेनी अदर मोस्ट अदर प्लस रिलेटिव वर्ड, SD सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस SD फॉर्म प्लस रिलेटिव वर्ड। नाउ सिंपल सेंटेंस, इफ द सेंटेंस इज एज इज और सो इज बट नो अदर और वेरी फ्यू इज नॉट गिवन, इट इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। इफ द सेकंड, इफ द सेंटेंस इज CD फॉर्म and after CD form then is also given, but after then any other, many other, most other is not given, it is called simple sentence.
नाउ चेंजेस इन सिंपल सेंटेंस, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस इन सिंपल सेंटेंस. कौन कौन से चेंजेस है? तो फर्स्ट है चेंजेस इन सब्जेक्ट. चेंजेस इन सब्जेक्ट यानी फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो पीछे जाएगा, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे. टर्न द सेंटेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. सेंटेंस पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा. टर्न द सेंटेंस पीडी टू सीडी और सीडी टू पीडी. सेंटेंस पीडी का है तो सीडी होगा, सीडी होता पीडी होगा. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाए. थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.